नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 11वीं का लेसन स्पीति में बारिश। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके लेखक परिचय को, तो आइए पढ़ते हैं लेखक परिचय। ये इनके जो लेखक हैं वो कृष्णनाथ हैं। जन्म इनका हुआ था भाई 1934 ईस्वी में वाराणसी उत्तर प्रदेश में। प्रमुख रचनाएं हैं लद्दाख में राग विराग, किन्नर, धर्मलोक, स्पीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा, हिमाल यात्रा, अरुणाचल यात्रा, बौद्ध निबंधावली। हिंदी और अंग्रेजी में कई पुस्तकों का संपादन। प्रमुख सम्मान इसको मिला है भाई राम मनोहर लोहिया, जिन्हें लोहिया सम्मान इनको मिला है, और 2016 में इनकी है ना मृत्यु हो गई है। कृष्णनाथ व्यक्तित्व के कई पहलू हैं भाई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए के बाद उनका झुकाव समाजवादी आंदोलन और बौद्ध दर्शन की ओर गया। बौद्ध दर्शन में गहरी उनकी पैठ है। वे धर्मशास्त्र के विद्वान और काशी विद्यापीठ में इस विषय के प्रोफेसर भी रहे हैं। अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं पर उनका अधिकार है और दोनों ही की पत्रकारिता से भी कुछ उनका जुड़ाव रहा है। हिंदी की साहित्यिक पत्रिका कल्पना के संपादक मंडल में वे कई साल रहे और अंग्रेजी के मैन काइंड का कुछ वर्षों तक संपादन भी किया। तो देखिए, ये आपको याद रखने हैं भाई, अंग्रेजी का तो था इनका मैन काइंड और हिंदी की थी इनकी कल्पना पत्रिका, जिससे ये कई साल तक जुड़े रहे। राजनीति, पत्रकारिता और अध्यापन की प्रक्रिया से गुजरते हुए बौद्ध दर्शन की ओर मुड़े। भारतीय और तिब्बती आचार्यों के साथ बैठ करके उन्होंने नागार्जुन के दर्शन और वज्रयानी परंपरा का अध्ययन शुरू किया। भारतीय चिंतक जय कृष्णमूर्ति ने जब बौद्ध विद्वान के साथ चिंतन मनन शुरू किया तो कृष्णनाथ भी उसमें शामिल थे। बौद्ध दर्शन पर कृष्णनाथ जी की ने काफी कुछ लिखा है। इतना कुछ करने के बावजूद कृष्णनाथ जी की सर्जन आकांक्षा पूरी नहीं हुई। सर्जन आकांक्षा होता है भाई निर्माण करना, लिखने की जो आकांक्षा, जो इच्छा है, इसीलिए वे यायावर हो गए, यानी लिखने की तरफ प्रवृत्त हो गए। एक यायावरी तो उन्होंने वैचारिक धरातल पर की थी, दूसरी सांसारिक अर्थ में। उन्होंने हिमालय की यात्रा शुरू की और उन स्थलों को खोजना और खंगालना शुरू किया जो बौद्ध धर्म और भारतीय मिथकों से जुड़े हैं। फिर जब उन्होंने इस यात्रा को शब्दों में बांधना शुरू किया तो यात्रा वृत्तांत जैसी विधा अनूठी विलक्षणता से भर गई। कृष्णनाथ जहाँ की यात्रा करते वहाँ वे सिर्फ पर्यटक नहीं होते बल्कि एक तत्ववेता की तरह वहाँ का अध्ययन करते चलते हैं। पर वे शुष्क अध्ययन नहीं करते बल्कि उस स्थान विशेष से जुड़ी स्मृतियों को उघाड़ते हैं। ये वे स्मृतियाँ होती हैं जो इतिहास के प्रवाह में सिर्फ स्थानीय
होकर रह गई हैं, लेकिन जिनका संपूर्ण भारतीय लोकमानस में गहरा रिश्ता रहा है। पहाड़ के किसी छोटे बड़े शिखर पर दुबक कर बैठी वह विस्मृत सी स्मृति मानो कृष्णनाथ की प्रतीक्षा कर रही हो कि वे आएं, उन्हें देखें और उसके बारे में लिखकर उसे जनमानस के पास लेकर जाएं। कृष्णनाथ ने के यात्रा वृतांत स्थान विशेष से जुड़े होकर भी भाषा इतिहास पुराण का संसार समेटे हुए है। पाठक उनके साथ खुद यात्रा करने लगता है। वे लोग जो इन स्थानों की यात्रा कर चुके होते हैं, वे भी अगर कृष्णनाथ के यात्रा वृतांत को पढ़ेंगे तो उन्हें कुछ नया लगेगा। उन्हें महसूस होगा कि उनकी पुरानी यात्रा अधूरी थी और कृष्णनाथ के यात्रा वृतांत को पढ़कर वह पूरी हो गई। इसी प्रकार जो है स्पीति में जो बारिश, जो आज का हमारा टॉपिक है, लेसन है, इसका इन्होंने बड़ा ही मार्मिक और गहनता से चित्रण किया है। स्पीति हिमाचल के मध्य में स्थित है। यह स्थान अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है। लेखक ने इस पाठ में स्पीति की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु, भूगोल आदि का वर्णन किया है जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं। पाठ में दुर्गम क्षेत्र स्पीति में रहने वाले लोगों के कठिनाई भरे जीवन का भी वर्णन किया है। कुछ युवा पर्यटकों का पहुंचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना वहां बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है। तो आइए देखते हैं पहले इसके शब्दार्थ, जो कठिन शब्द हैं उनको देखेंगे ताकि लेसन पढ़ते समय हमें परेशानी ना हो। इनको आप लिख भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। एलंगे होता है भाई जिसको न लांघना या पार करना मुश्किल हो। स्वायत्त होता है स्वतंत्र। अतर्क्य होता है तर्क न करने योग्य। आर्तनाद होता है भाई दर्द भरी ऊंची आवाज या स्वर का जपन या सहायता की पुकार। पीर पंचाल है भाई एक पर्वत श्रृंखला है पीर पंचाल। महात्म्य है महिमा या गौरव। कुवत होती है बल, ताकत, शक्ति। षठ ऋतु छह ऋतु में बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत। तुषार होती है भाई उसकी बूंदे या हिम या बर्फ। और दुर्गच्छेन यह दुंगछेन है भाई दुंगछेन एक तरह का वाद्य यंत्र महाशंख जैसे फूक मार करके बजाया जाता है, ये दुंगछेन होता है। तो आइए अब पढ़ते हैं हम स्पीति में बारिश। स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है। तो भाई ये आपको नोट करना है, स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जो जिला है उसकी एक क्या है, तहसील है, याद रखना इसको। लाहौल स्पीति का यह योग भी आकस्मिक ही है, संयोग से ही है। विद्यार्थियों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले और आप अपना जो सिलेबस है वो अनवरत कर सकें। तो आइए बढ़ते आगे। इनमें बहुत योगा योग नहीं है। ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में भी कम रहा है, यानी ऐसे दुर्गम जो क्षेत्र होते हैं ना भाई वहाँ लोग कम पहुँच पाते हैं। एलंगे जिसको लांघा नहीं जा सकता है, भूगोल यहाँ इतिहास का एक बड़ा कारक है। अब जबकि संचार में कुछ सुधार हुआ है यानी परिवहन के साधन बढ़े हैं, तब भी लाहौल स्पीति का प्रयोग का योग प्राय वायरलेस सेट के जरिए है, यानी संचार वहाँ बहुत है, अधिक नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी
जो वायरलेस के जरिए वहाँ के लोगों से संपर्क अच्छे से साधा जा सकता है। जो केलंग और काजा के बीच खड़कता रहता है, फिर भी केलंग के बादशाह को भय लगा रहता है कि कहीं काजा का सूबेदार उनकी अवज्ञा तो नहीं कर रहा है। ये दो जगह है केलंग और काजा, कहीं बगावत तो नहीं करने वाला है। लेकिन सिवाय वायरलेस सेट पर संदेश भेजने के वह कर भी जा सकता है। बसंत में भी कभी में भी 170 मील जाना आना कठिन है, शीत में प्राय असंभव ही है। प्राचीन काल में शायद स्पीति भारतीय साम्राज्यों का अनाम अंग रही होगी, यानी जिन जिन राजाओं ने भारत पर अपना राज्य किया, राज किया, अनाम यानी नाम नहीं था, चाहे वह संपूर्ण भारत में तो आता था लेकिन वहाँ तक किसी की पहुँच नहीं थी। जब ये साम्राज्य टूटे तो यह स्वतंत्र रही, फिर मध्य युग में प्राय लद्दाख मंडल और कभी कश्मीर मंडल, कभी बुश शहर मंडल, कभी कुल्लू मंडल, कभी ब्रिटिश भारत के तहत रही है, तब भी प्राय स्वायत्त ही रही, यानी स्वतंत्र ही। कहने का भाव यह रहा है कि राज किसी का भी रहा हो लेकिन लाहौल स्पीति जो जगह है वो अक्सर स्वतंत्र ही रही, गुलाम नहीं हुई। इसकी स्वायत्तता भूगोल ने सिरजी है, सिराजी शोभा बढ़ाना, भूगोल ही इसकी रक्षा करता है, भूगोल ही इसका संहार भी करता है। पहले कभी उन राजाओं का कोई हरकारा आता था तो उसके आते आते वह अल्प बसंत में बीत जाता था, कभी कोई जोरावर सिंह जैसा आता था तो स्पीति का तरीका वही था जो तुप चिलिंग गोनप्पा में मैंने देखा था। ये तुप चिलिंग गोनप्पा भी एक जगह का नाम है भाई। जब डायनामाइट का विस्फोट 1873 में स्पीति रेजुलेशन पास हुआ, एक मिनट भाई, तो ब्रिटिश भारत के अन्य कानून यहाँ नहीं लागू होते थे, रेगुलेशन के अधीन प्रशासन के अधिकार नोनों के को दिए गए, जिसमें मालगुजारी इकट्ठा करना और छोटे छोटे फौजदारी को के मुकदमों का फैसला करना भी शामिल था। उसके ऊपर के मामले पर कमिश्नर के पास भेज दिया जाता था। उन दिनों लाल स्पीति का वृतांत कांगड़ा जिले के अंतर्गत कुल्लू तहसील में मिलता है। स्वराज्य के बाद 1960 में लाहौल स्पीति पंजाब राज्य के अंतर्गत एक अलग जिला बना दिया गया जिसका केंद्र केलंग में है। 1966 में जब हिमाचल प्रदेश राज्य बना तो लाहौल स्पीति का उत्तरी छोर का जिला हो गया। यह देश का सबसे अधिक दुर्गम क्षेत्र है। स्पीति में 31.42 और 32.59 अक्षांश और उत्तर की ओर 77.26 और 78.42 पूर्व देशांतर के बीच यह स्थित है। तो ये याद रखना है भाई कहाँ से कहाँ तक स्थित है, ये आप याद रखें, प्रश्न में भी आएगा ये, आगे आपको ये जो फिगर है वो याद रखनी है। ये चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का कैदी है। इन पहाड़ों की औसत ऊंचाई जो है भाई 18,000 फीट है। कितनी है औसत ऊंचाई भाई? 18,000 फीट है औसत ऊंचाई, ठीक है। यह पहाड़ उसे पूर्व में तिब्बत, पश्चिम में लाहौल, दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख से अलग करते हैं। इसकी मुख्य घाटी इसी नाम से स्पीति घाटी है। स्पीति पश्चिम हिमालय के
में लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई से निकल करके पूर्व में तिब्बत में बहती है, वहाँ से स्पीति में आती है। स्पीति से बहकर के पुराने रामपुर बुश शहर राज्य में अब किन्नौर जिले में बहती हुई सतलुज में मिलती है। मेरी इस स्पीति नदी से प्रीति है, प्रेम है। स्पीति में मैं सिर्फ इसी नदी को पहचानता हूँ। सुनता हूँ कि कोई पारा नदी भी है, फिर घाटी है। स्पीति के अलावा पीन की घाटी प्रसिद्ध है। तो कौन सी घाटी प्रसिद्ध है भाई? पीन की घाटी। मान भाई से इसका किस्सा सुना है। तो लेखक ने किससे किस्सा सुना है भाई? मान भाई से। अत्यंत बीहड़ और वीरान है, यानी जंगलों भरी है, सुनसान है। इसमें से शायद स्पीति की घाटी ही आबाद है। जैसी वह आबाद है वह आप देख ही रहे हैं। प्रति वर्ग मील 4 से भी कम लोग बसते हैं, यानी 1 मील के दायरे में 4 व्यक्ति मिलेंगे। तो कैसी आबाद है, ना के बराबर है। अचरज यह नहीं है कि इतने कम लोग क्यों हैं, अचरज यह है कि इतने लोग भी कैसे बसे हुए हैं। मैंने जब भी स्पीति की विपत्ति बताई है तो लोगों ने यही पूछा है कि आखिर तब लोग वहाँ क्यों रहते हैं, यानी रहते क्यों हैं। 8-9 महीने शेष दुनिया से कटे हुए हैं, ठंड में ठिठुर रहे हैं, सिर्फ एक फसल उगाते हैं, लकड़ी भी नहीं है कि घर गरम कर सकें। व्यर्थ नहीं है फिर क्यों रहते हैं? क्या अपने धर्म की रक्षा करने के लिए रहते हैं, अपनी जन्मभूमि के महत्व के कारण रहते हैं, या इस मजबूरी में रहते हैं कि कहीं और जा नहीं सकते? क्वेश्चन आएगा कि वो लोग क्यों रहते हैं वहाँ पे, कहाँ जाया जाए फिर, या फिर और बातों के साथ साथ यह सब कारण है, मैं नहीं जानता। मैं तो इतना ही देखता हूँ कि यहाँ रह रहे हैं इसलिए रह रहे हैं, और कोई तर्क नहीं है। तर्क से हम किसी चीज़ को भले सिद्ध कर सकें, स्पीति में रहने को नहीं सिद्ध कर सकते, लेकिन तर्क का इतना मोह क्यों? ज़्यादा करके संसार और निर्वाण ऐतर्क के हैं, संसार के परे हैं। स्पीति नदी के साथ साथ मेरा थोड़ा परिचय स्पीति के पहाड़ों से भी है। स्पीति के पहाड़ लाहौल से ज़्यादा ऊंचे, नंगे और भव्य हैं। इनके सिरों पर स्पीति के नर नारियों का आर्तनाद जमा हुआ है। शिव का अट्टहास नहीं, हिम का आर्तनाद है, ठिठुरन है, गलन है, व्यथा है। इस व्यथा की जो कथा इन पहाड़ों की ऊंचाइयों के आंकड़ों में नहीं कही जा सकती, फिर भी जो सुंदरता को इंच में मापने के आभासी हैं, वे भला पहाड़ को कैसे बख्श सकते हैं। वे यह जान ले कि स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है, जिसे वे हिमालय जानते हैं। स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिता, आइसक्रीम और छोले भटूरे का कुल्लू मनाली, शिमला, मंसूरी, नैनीताल, श्रीनगर, वह सब हिमालय नहीं है, हिमालय का तलुआ है, तलहटी है। शिवालिक या पीर पंचाल, ये पहाड़ों के नाम है जिसे बताया भी था, ऐसा ही कुछ उसका नाम है। यह तलहटी है, रोहतांग जोत के पार मध्य हिमालय है, जिसमें इसमें ही लाहौल स्पीति की घाटियां हैं। इन घाटियों की औसत ऊंचाई नापी गई है। श्री कनिघम के अनुसार लाहौल की समुद्र की सतह से ऊंचाई है वो 10,535 फीट है और स्पीति की 12,986 फीट है, यानी लगभग 13,000 फीट की औसत ऊंचाई है। मध्य हिमालय की जो श्रेणियां स्पीति को घेरे हुए हैं उनमें से जो उत्तर में हैं
उसे बारह लाचा श्रेणियों का विस्तार समझें। बारह लाचा दर्रे की औसत ऊंचाई का अनुमान 16,221 फीट से लगा करके 16,500 फीट तक लगाया गया है। इस पर्वत श्रेणी में दो चोटियों की ऊंचाई है 21,000 फीट से अधिक। दक्षिण में जो श्रेणी वह माने श्रेणी कहलाती है। इसका क्या अर्थ है? कहीं यह बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर तो नहीं है? ओम मणि पद्मे हूँ इसका बीज मंत्र है, इसका बड़ा महात्म्य है, महत्व है। इसे संक्षेप में माने कहते हैं। कहीं इस श्रेणी का नाम इस माने के साथ नाम पर तो नहीं है? अगर नहीं है तो करने जैसा है। यहाँ इन पहाड़ों में माने का इतना जाप हुआ है कि यह नाम उन श्रेणियों को दे डालना सहज है। इंपीरियल गैजेटर में मान्य श्रेणी की ऊंचाई 21,646 फीट बताई गई है। यह तो इस श्रेणी की किसी चोटी की ऊंचाई होगी। पूरी श्रेणी की ऊंचाई तो एक नहीं होगी। इसमें से जो छोटी छोटी चोटियां हैं उनकी ऊंचाई भी 17,000 फीट से अधिक है। कई गांव समुद्र स्तर से 13,000 फीट ऊंचे हैं बसे हैं। एक या दो 14,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। यह मध्य हिमालय है, इसमें सफीति स्थित है। इसके पार बाह्य हिमालय दिखता है। इसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची बताई गई है। इसमें कई चोटियां 20,000 फीट से भी ऊंची हैं। मैं ऊंचाई के माप के चक्र में नहीं हूं, न इनमें होड़ लगाने के पक्ष में हूं। वह एक बार लोसर में जो कर लिया सो बस। इन ऊंचाइयों से होड़ लगाना मृत्यु है। हाँ, कभी कभी उनका मान मर्दन करना मर्द और औरत की शान है। मैं सोचता हूँ कि देश और दुनिया के मैदानों से और पहाड़ों के युवक युवतियाँ आएं और पहले तो स्वयं अपने अहंकार को गलाएं, फिर इन चोटियों के अहंकार को चूर चूर करें। यानी लेखक चाहता है कि इनकी लंबाई ऊंचाई चौड़ाई को वे चढ़ करके नाप सकें, उस आनंद का अनुभव करें जो साहस और कुव्वत से यौवन में ही प्राप्त होता है। संयोग से अहंकार का ही मामला नहीं है। ये माने की चोटियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। लामा होते हैं भाई बौद्ध भिक्षु। युवक युवतियां किलोल करें और यह भी हर्षित हों, अभी तो इन पर सपीति का आर्तनाद जमा हुआ है। वह इस युवा अट्ठास की गर्मी से कुछ तो पिघले, यह एक युवा निमंत्रण है। देखो, मान्य मंत्र के बारे में बता दिया गया है कि यह ध्वनि मंत्र है जो ध्यान साधना के लिए प्रयुक्त होता है और बोधिसत्व आर्य अवकोलितेश्वर ने इस मंत्र का सबसे पहले उच्चारण किया था। इसके उच्चारण से करुणा की उत्पत्ति होती है। मान्य मंत्र के बारे में बताया गया भैया। देखिए लाहौल स्पीति का सौंदर्य, लाहौल की तरह ही स्पीति भी में भी दो ही ऋतुएँ होती हैं। कहीं मैंने 60 ऋतुओं का बखान किया है। वह अभ्यास दोष के कारण यहाँ जून से सितंबर तक एक अल्पकालिक वसंत ऋतु है, शेष वर्ष शीत ऋतु होती है। वसंत में जुलाई में औसत तापमान 15 सेंटीग्रेड और शीत ऋतु में जनवरी में औसत तापमान 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। औसत से कुछ अंदाज नहीं लगाया जा सकता या लगता। बसंत में दिन गर्म होता है, रात ठंडी होती है और शीत में क्या होता है इसकी कल्पना ही की जा सकती है, कभी रहकर देखा ही जा सकता है। स्पीति में बसंत लाहौल से भी कम दिनों का होता है।
बसंत में भी यहाँ फूल नहीं खिलते, न हरियाली आती, न गंध होती। दिसंबर में घाटी में फिर बर्फ पड़ने लगती है, अप्रैल मई तक रहती है। यहाँ ठंडक भी लाहौल से ज़्यादा पड़ती है, नदी नाले सब जम जाते हैं और हवाएं तेज चलती हैं। मुंह हाथ और जो खुले अंग हैं उनमें जैसे सूल सी चुभ रही है। स्पीति में लाहौल से भी कम वर्षा होती है, मध्य हिमालय मानसून की पहुंच से परे है। यहाँ बरखा बाहर नहीं है। कालिदास को अपने ऋतु संहार में यहाँ वर्षा का तो संहार ही करना पड़ेगा। कालिदास में वर्षा का क्या ठाट है, यहाँ वर्षा वर्णन है, यह वर्षा वर्णन है, इस प्रकार शुरू होता है। यानी कालिदास का जो अभिजान शाकुंतलम नाटक है उसकी जो रचना है उसमें बरसात ऋतु में प्रेम आलाप दिखाया गया है। तो कहता कि कालिदास की रचना यदि यहाँ इस क्षेत्र में के बारे में कहते तो बरसात के बारे में वो कुछ भी नहीं कह पाते। और यदि कहते तो कैसे, प्रिय जल की फुहारों से भरे बादलों के मतवाले हाथी पर चढ़ा हुआ चमकती हुई बिजलियों की झंडियों को फहराता हुआ और बादलों की गर्ज के नगाड़े बजाता हुआ यह कमीजनों का प्रिय पावस राजाओं का सा ठाठ बाट बन करके आ पहुंचा। प्रिय प्रवास उनकी एक रचना है भाई, उसमें प्रेमालाप है। तो यह पावस यहाँ नहीं पहुंचता है। कालिदास की वर्षा की शोभा विंध्याचल में है, हिमाचल की इन मध्य घाटियों में नहीं है। मैं नहीं जानता कि इसका लालित्य लाहौल स्पीति के नर नारी समझ पाएंगे या नहीं। वर्षा उनके संवेदन का अंग नहीं है, वह यह नहीं जानते हैं कि बरसात में नदियां बहती हैं, बादल बरसते हैं, मस्त हाथी चिंगाड़ते हैं, जंगल हरे भरे होते हैं, अपने प्यारों से बिछड़ी हुई स्त्रियां रोती कलापती हैं, मोर नाचते हैं और बंदर चुप मार करके गुफाओं में जा छिपते हैं। अगर कालिदास यहाँ आकर कहें कि अपने बहुत से सुंदर गुणों से सुहावनी लगने वाली स्त्रियाँ का जी खिलाने वाली पेड़ों की टहनियों और बेलों की सच्ची सखी तथा सभी जीवों का प्राण बनी हुई वर्षा ऋतु आपके मन को की सब सादे पूरी करे, तो शायद स्पीति के नर नारी यही पूछेंगे कि यह देवता कौन है। यानी कालिदास यदि यहाँ का वर्णन कर दे तो कालिदास को लोग वहाँ पूजने लगेंगे, देवता कहने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर कभी बारिश होती ही नहीं, बर्फबारी ही होती है। यहाँ क्यों नहीं आता? स्पीति में कभी कभी बारिश होती है, वर्षा ऋतु यहाँ मन की साध पूरी नहीं करती। धरती सूखी ठंडी और बंध्या रहती है, बंध्या होता है बंजर। स्पीति में साल में एक फसल होती है, मुख्य फसलें हैं दो किस्म का जो गेहूं, मटर और सरसों। इसमें भी जो मुख्य है सिंचाई का साधन पहाड़ों से आ रहे नाले हैं या उन पर बनाए कुएं हैं। ये नालियां पहाड़ों के किनारे किनारे बहुत दूर तक आती हैं और स्पीति नदी तक, नदी का तट इतना चौड़ा है कि इसका पानी किसी काम में नहीं आ पाता। स्पीति में ऐसी भूमि है जो खेती के लायक बनाई जा सकती है, शर्त इतनी है कि इसके लिए स्पीति में जल उलीचा जाए, यानी पानी इकट्ठा किया जाए, या फिर पानी का कोई और स्रोत पहुंचाया जाए। स्पीति में कोई फल नहीं होता, मटर और सरसों को छोड़कर के कोई सब्जी नहीं होती। शायद ऊंचाई, वायुमंडल के दबाव में कमी, ठंड की अधिकता, वर्षा की कमी वगैरह के कारण यहाँ पेड़ नहीं होते हैं, इसीलिए स्पीति विशेषकर नंगी और वीरान है। वर्षा यहाँ एक घटना है, एक शुद्ध संयोग है। हम काजा के डाक बंगले में सो रहे थे, काजा एक जगह का नाम है भाई, तो लगा कि कोई खिड़की खड़का रहा है, आधी रात का भी पिछला पैर है, इस समय कौन है, लंप की लो तेज की
खिड़कियों का एक पल्ला खोला तो तेज हवा का झोंका मुंह और हाथ को जैसे छीलने लगा, यानी ठंडी हवाएं चल रही थी। मैंने पल्ला भिड़ा लिया, उसकी आड़ में देखने लगा, देखा कि बारिश हो रही है। मैं उसे देख नहीं रहा था, सुन रहा था। अंधेरा, ठंड और हवा का झोंका आ रहा था, जैसे बर्फ़ का अंश लिए तुषार जैसी बूंदें पड़ रही थी, जैसे नगाड़े पर थाप पड़ रही थी। दुंगचैन को हवा बजा रही थी। दुंगचैन एक तरह का वाद्य यंत्र है भाई, जो शंख की तरह बजाया जाता है भाई, मुंह में फूंक फूंक करके। महासंघ की धवनी घाटी में तैर रही थी। स्पीति की घाटी में वर्षा हो रही थी। कमरे में ठंड बढ़ रही थी। मैं बिस्तर में पड़ा पड़ा मालूम नहीं कब सो गया। सुबह उठा, चाय पीते पीते सुना कि स्पीति के लोग कह रहे हैं कि हमारी यात्रा शुभ है, स्पीति में बहुत दिनों बाद बारिश हुई। तो विद्यार्थियों, ये हमने स्पीति के बारे में जाना, और आप बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। ये आपके जो अभ्यास के प्रश्न हैं, इन सारे प्रश्नों को हम करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों।